विधायक विनोद अग्रवाल इनके कार्यालय पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। गोंदिया के अपक्ष विधायक विनोद अग्रवाल इनके कार्यालय पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने छानबीन कर 3 घंटे के भीतर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विनोद अग्रवाल इनके कार्यालय और घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं शहर पुलिस स्टेशन में भी पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में एक आरोपी की तलाश जारी है, ऐसी जानकारी गोंदिया पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने दी है। सुबह बजे के दरमियान यहाँ के विधायक श्री विनोद अग्रवाल साहब के ऑफिस पर 6 से 7 अज्ञात हमलावरों ने आके वहाँ पे लाठी से और बंदूक से उनके ऑफिस के कांच पर प्रहार किया 2-3 बार। ये सुनकर हमारे अंदर जो पुलिस कर्मचारी पहले से मौजूद थे, कल से हमने उनको 2 शस्त्रधारी पुलिस कर्मचारी उनको एक्स्ट्रा दिए थे उनके ऑफिस में, तो वो बाहर आ गए और उनको देख कर वो 6-7 लोग भाग गए। हमारे पुलिस अमला ने उनको आवाज़ दी तो वापस वो आ गए। पुलिस ने 2 फिलहाल उन पर इंतजार कांच पे किए, लेकिन इस घटना में कांच फूटी नहीं है या कोई भी जीवित हानि या वित्त हानि वहाँ पर हुई नहीं है, कोई भी जख्मी या संदेह हुआ नहीं है। घटना घटने के तुरंत मैं खुद वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर हमने अभी एक RCP दी है, राइड कंट्रोल पटून 30 लोगों का, और एक सब इंस्पेक्टर और 5 महिला अमला वहाँ पर हमने तैनात किए हैं। तो ये सब का बंदोबस्त वहाँ पे 24 घंटे वहाँ पे रहेगा, 24 घंटे अगला आदेश मिलने तक। और ये जो अज्ञात हमलावर है उनमें से हमने 6 लोग हमने मात्र 2 से 3 घंटों में हम लोग को अटक किया। VKB न्यूज़ के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट।